नमस्कार, आपका मेरे चैनल वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में स्वागत है। आज हम लोग आलू के उबले हुए आलू की कचौड़ी बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे, यानी मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी कि आलू की कचौड़ी कैसे बनाई जाए। ये मैंने इसमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसके अंदर सबसे पहले तो आलू लिए मैंने, और आलू को लेकर के धोने के बाद में उसको बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद में 3 सीटी लगाते ही मैंने उसे खोल दिया, यानी ये इंतज़ार नहीं किया कि उसको ठंडा होने दिया जाए, क्योंकि यदि वो ठंडा होने देते हैं तो आलू उसमें पनीले हो जाते हैं, यानी पानी वाले हो जाते हैं, और फिर हमारी जो पीठी बनती है वो पानी वाली बनती है। इसलिए ध्यान रखिए कि आलू को उबालने के तरीके पर ध्यान देंगे तो आपकी पीठी जो है वो अच्छी बनेगी। तो मैंने ये आलू बॉईल करके ले लिए हैं, और इसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट्स में और हैं, मैंने एक प्याज बारीक काट करके ले लिया, एक हरी मिर्च को मैंने बारीक काट लिया, नमक मैंने स्वादानुसार ले रही हूँ, जिंजर यानी अदरक 1 इंच टुकड़े को मैंने कद्दूकस कर लिया है, ऐसे ही 5 कलियाँ मैंने लहसुन की ली और उन्हें कद्दूकस कर लिया, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, सूखा धनिया लिया है, और इसमें से हम हींग का प्रयोग करेंगे। यहाँ मैंने 3 तरह की मिर्च ली हैं, 2 तरह की मिर्च, देगी मिर्च और कुटी हुई मिर्च, साथ ही गर्म मसाला लिया है, और मैं इसमें खट्टे के लिए नींबू का प्रयोग नहीं करना चाहूँगी। मैं कभी भी पीठी में नींबू का प्रयोग नहीं करती हूँ, क्योंकि नींबू जो है उसमें पानी कर देता है, गीली हो जाती है, इसलिए मैं उसमें अमचूर का प्रयोग करती हूँ। ये अमचूर लिया है मैंने, यानी मैंगो ड्राइड पाउडर, और ये मैंने इसके अंदर अजवाइन जो है वो 1 चम्मच ली है। इस पैन के अंदर मैं ऑयल लूँगी, ये ऑयल मैं आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग करूँगी, और यहाँ मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है। साथ में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि कचौरी आज मैं जो हूँ वो मैदे की ना बना करके आटे की बनाऊँगी, यानी आटे की कचौरी, खस्ता कचौरी हम बनाएंगे। इसमें सबसे पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा सॉल्ट यानी नमक, इसमें समुद्री नमक ही हम प्रयोग में लाएंगे जो हम खाते हैं, ये इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे हम, और जो हमने अजवाइन ली है उसकी आधी अजवाइन डालेंगे। देखिए इसके अंदर हम सौंफ भी डाल सकते हैं, मगर यदि अजवाइन का प्रयोग कर रहे हैं तो सौंफ नहीं डालेंगे, और सौंफ का प्रयोग कर रहे हैं तो अजवाइन नहीं डालेंगे, यह मैं अजवाइन का प्रयोग कर रही हूँ। और इसके अंदर हम 1 चम्मच यानी छोटे चम्मच लें तो 3 छोटे चम्मच यानी स्पून हमने टी स्पून हमने लिया, ऑयल ले लिया है, और अब इस ऑयल को हम इस पूरे आटे में मिक्स करके और थोड़ा थोड़ा वो गर्म पानी, जो मैं गर्म पानी के अंदर इसको गूंथूंगी, इसका डो जो है गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी से बनाऊंगी, क्योंकि ये फिर अच्छा जल्दी जो है वो सेट होगा, और साथ ही निमाए पानी से यानी वॉर्म वाटर के साथ में डो बनाने से उसमें लोच भी अच्छा पैदा होता है। देखिए इस तरह से हमारा ये तैयार हुआ, सारा हमने डाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और इसमें हम इसका डो तैयार करेंगे। ये देखिए मैंने सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है, जैसा हम पूड़ियाँ बनाते हैं, मगर पूड़ियों से भी थोड़ा सॉफ्ट ही किया है, क्योंकि इसमें जब हम इसके अंदर जब स्टफिंग करते हैं तो वो आसानी से हो जाए। अब मैं इस आटे को 1/2 घंटे के लिए बंद करके हम लोग इसको रख देंगे, और इधर हम जो हमने पोटैटोज लिए हैं, आलू जो बॉयल आलू हैं, इसको हम तोड़ते हुए बारीक इसका पेस्ट तैयार करेंगे।
ये मैंने मैश कर लिया है आलू को, और अब इसमें गैस जला करके हम थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे। मैं इसमें एक्चुअली इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे हम लोग, ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं डालना है, थोड़ा डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। गर्म होने पर हम इसमें देखिए गर्म हो रहा है, ये इसमें सबसे पहले हम हमारी अजवाइन को डालेंगे, उसके बाद में हमारा लहसुन, इसे इसके अंदर हल्का, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का सा ही करना है, गैस को मीडियम रखिएगा। इसी में हम अपना जिंजर पाउडर, ग्रेट किया हुआ जिंजर यानी अदरक को इसमें डाल रहे हैं, और हमारा प्याज, हरी मिर्च बिल्कुल सेम आंच रखिएगा, इसी में ड्राई हमारा धनिया पाउडर, दोनों तरह की मिर्च और गरम मसाला, नमक जितना आपको उसके अंदर मसाले के अंदर चाहिए हमें, इसी में हमारा हींग, हींग इसमें थोड़ा अच्छा ले लीजिएगा, अमचूर पाउडर, और अब हम इसमें अपना हमारा आलू का जो पीठी है उसको डाल करके और इसको हिलाएंगे। सारा मसाला इसमें हम मिक्स कर देंगे, हरा धनिया, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। हमारी पीठी देखिए तैयार है। आप इसको भरने से पहले एक बार चख भी लें कि आपके अकॉर्डिंग इसमें सब कुछ मसाले हैं या नहीं। और अब हम इधर हमने ऑयल ले लिया पैन को साफ करके, या आप दूसरा पैन ले लीजिएगा, और गैस को ऑन कर देते हैं और तेल को, हमारा ऑयल जो है वो इसमें गर्म होना शुरू हो जाएगा, मीडियम फ्लेम रखिएगा। और इधर जो हमने हमारा डो तैयार करके रखा था, इस डो को देखिए हम इस तरह से थोड़ी देर इसको चलाएंगे, मैश करेंगे, इसको ऊपर नीचे करेंगे और इसको फिर छोटी छोटी लोइयां बना के, और इसको थोड़ी छोटी छोटी लोइयां बना करके, और इसको बेलेंगे, थोड़ा ऑयल लगा के बेलेंगे, देखिए इतना इतना करेंगे। अभी इसको हम थोड़ा ऑयल लगा के हाथ से आटे को ठीक कर लेते हैं, ऑयल लगा करके इसको पहले सॉफ्ट कर लेते हैं इसको इस तरह से। ये देखिए इस साइज़ का हम, मैंने इसको काट लिया है, और इस साइज़ की हम पेड़ियाँ बनाएंगे, इनको हम इस तरह से इसकी पेड़ियाँ बना देंगे। आप चाहिए तो चाहें तो बेल लीजिए, और नहीं तो आप हाथ से भी फैला सकती हैं इसको, और इसमें हम अब भरावन भरेंगे। भरने के लिए थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा करके हम इसको छोटी छोटी बेलेंगे, और बेल करके
इस साइज का कर लेंगे। इस साइज का करने के बाद में हम एक चम्मच इसमें से हमारी स्टफिंग लेंगे और इस पर भरेंगे। देखिए इस तरह से इसको ऐसे फैलाएंगे और फिर धीरे धीरे दोनों तरफ के एज पकड़ करके यानी किनारों को पकड़ेंगे। इसको इस तरह से बंद करेंगे यानी एज पूरे मिल जाने चाहिए और जो एक्स्ट्रा है इसको आप तोड़ सकते हैं अन्यथा इसमें आप लगा भी सकते हैं। और इस तरह से फिर आप इसको आप जितना चाहें उतनी चौड़ी इसको बनाएंगे और इस तरह से हम सारी हमारी कचौड़ियाँ तैयार कर लेंगे। इनके किनारे बिल्कुल मिल जाने चाहिए ताकि इसमें भरी हुई पिठी जो है वो बाहर ना आए। इधर देखते हैं हमारा ऑयल तैयार हो गया है क्या। इसमें थोड़ा सा हम दो का डालेंगे। हाँ हमारा तैयार है, ऑयल गर्म है हमारे इस कचौरियों के हिसाब से। और अब हम इसमें जितना ऑयल के अंदर स्पेस है उतना हम डाल करके इन्हें मीडियम आंच पर ही पकाएंगे। देखिए इस तरह से हम इनको अब फ्राई डीप फ्राई करेंगे और जब तक ये डीप फ्राई होती हैं तब तक हम अपनी दूसरी कचौरियों को तैयार कर लेते हैं। इन पर हम इस तरह से ऑयल ऊपर नीचे करेंगे और अब जब ये सिकाई हमें लग रहा है कि सिक रही हैं एक साइड से तो हम इनको धीरे धीरे पलट देंगे। ध्यान रहे कि आपके ऊपर तेल का छींटा नहीं आना चाहिए। और अब इसको मध्यम आंच पर ही फ्राई करेंगे। देखिए अभी फ्राई नहीं हुई हैं, 3 मिनट हो चुके हैं। अभी 1 मिनट के करीब ये और लेंगे। मीडियम ही आंच रखिएगा और इन्हें फ्राई कीजिएगा। देखिए हमारी कचौरियाँ तैयार हो गई हैं और अब हम इनका ऑयल निकालते हुए किनारे पर लाएंगे और इन्हें प्लेट में रखेंगे। दूसरे लॉट को तैयार करने के लिए हम इसमें धीमी गति से इसमें हमारी तैयार की हुई कचौरियों को डालेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। दूसरे लॉट का भी हमने कचौरियों को पलट दिया है, मीडियम फ्लेम के ऊपर ही रखिए और इन्हें हल्के हल्के पलटते रहिए। दूसरा लॉट भी हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें एक एक को निकालेंगे। ये हमारी खस्ता कचौरियाँ, आलू की कचौरियाँ तैयार हैं। आप इसे ठेचा के साथ खाइए, जो मैंने कुछ दिन पहले उसकी रेसिपी बताई थी। आप चाहें तो मेरे इस चैनल पर जा कर के देख लीजिएगा। दही के साथ खाइए या हरे धनिया की चटनी के साथ खाइए, बहुत स्वादिष्ट। और देखिए आवाज़ से ही लग रहा है कि ये अच्छी खस्ता करकरारी बनी है। आप खाइए और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यदि आपको अच्छी लगती है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट्स। थैंक यू।